नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। दिल्ली स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से स्थगित चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में आयोजित की गई है। बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित किया। बैठक का समापन दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगा। आपको बता दें, बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी नेता मौजूद हैं। बैठक स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर जहां एक प्रदर्शनी लगाई गई है, तो वहीं कोविड प्रबंधन, रिकॉर्ड टीकाकरण और वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पीएम मोदी को सम्मानित करने की भी योजना बनाई गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए बैठक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आयोजित की गई है। कुछ नेता इस बैठक में ऑफलाइन तरीके से भी शामिल हुए, जबकि कुछ वर्चुअल तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। करीब 124 सदस्य दिल्ली के इस बैठक स्थल पर मौजूद हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वर्चुअल तरीके से मीटिंग में शामिल हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में राज्य इकाइयां डिजिटल माध्यम से कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी हैं। इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विशेष चर्चा हो रही है और इस पर मंथन होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।